वेलकम टू हेल्दी एंड टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म की अंदर से मक्खन मलाई और ऊपर से क्रिस्पी फ्राइड चिकन। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लेग पीसे लिए हैं, ये 5 से 6 लेग पीसेस हैं। आप चाहे तो बड़ी बड़ी बोटियाँ भी ले सकते हैं, इस तरह के लेग पीसेस भी ले सकते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इस तरह मैंने इसको कट लगा लिया है। अब बस इसमें जो मसाला डालेंगे वो कुछ यूँ है, ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें लेके इसको मैंने पीस लिया था, मैं वो डाल दूँगी। इसी तरीके से हाफ कप मैंने इसमें दही लिया, वो डाल दूँगी। हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तेज नहीं होती है, इसे कलर के लिए होती है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून कुटा पिसा हुआ जीरा। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स कर लिया है। बस अब मैं इसका ना 2 टेबलस्पून सिरका डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। बस अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। इस तरीके से मिक्स करके अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, बस अब मैं इसमें ये तमाम मसाला और ये चिकन डाल दूंगी और इसको ढक्कन ढाकना में 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए चिकन का सारा पानी खुश हो चुका है और ये सारा मसाला चिकन पे लग चुका है और चिकन भी गल चुकी है। ये देखिए इसने हड्डी भी छोड़ दी, ये चिकन गल चुकी है। बस इसको मैं एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1/2 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला सा एक बैटर तैयार कर लूंगी। ये देखिए इसी तरीके का रनिंग सा बैटर आपको तैयार करना है। बस अब मैं इसमें चिकन डिप करते जाऊंगी और इसको फ्राई करते जाऊंगी। ये देखिए एक फ्राई पैन में मैंने पहले ही ऑयल गर्म करने को रख दिया था। बस अब मैं इस बैटर में इस तरीके से ये चिकन डिप करूंगी। ये इस तरीके से मैं डिप करके और बस इसको फ्राई करने के लिए रख दूंगी। अच्छा इसको हम तेज आंच पे फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन तो पकी हुई है, बस हमें इसको बाहर से क्रिस्पी करना है। ये देखिए नीचे से फ्राई हो चुकी है, कलर भी आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ उसको पलट के। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया ये। वैसी तरीके से मैं तमाम कर लूँगी। ये देखिए नीचे से भी फ्राई हो चुकी है, बस हम इसको अब डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मज़ेदार किस्म की अंदर से मलाई जैसी और बाहर से क्रिस्पी चिकन तैयार हो चुकी है। ये ईद की दावतों में भी बहुत अच्छी रहेगी और आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं और ईद की दावतों के में भी आपकी दावतों में चार चांद लगा देंगे। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार हैगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।